ईरान की एक एक मिसाइल का बदला लेना चाहते हैं नेतन्याहू। ईरान के एक एक हमले का जवाब देना चाहता है इजराइल। ईरान के मिसाइल अटैक ने इजराइल के आक्रामक छवि वाले रॉब को तार तार कर दिया है। यही वजह है कि अब इजराइल हमले के लिए बेकरार है। यही वजह है कि इजराइल से एक फोटो आई है जिससे सबसे बड़े युद्ध का ऐलान माना जा रहा है। यह है इजराइल के आर्मी चीफ हर्जी हालेवी और साथ बैठे हैं अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिला। जनरल कुरिला की मीटिंग का मतलब साफ है, ईरान पर हमले की तारीख फिक्स हो गई है, ईरान पर हमले का टारगेट फिक्स हो गया है, ईरान पर हमला कैसे होगा ये भी पक्का हो गया है। इसराइल में हो रही हरकत के बाद ईरान में टेंशन बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी वार्निंग दे चुके हैं कि इसराइल की दूसरी गलती उसका आखिरी ब्लंडर होगा। ईरान पर हमले के लिए इसराइल की एयरफोर्स और खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरह एक्टिव है, यानी ईरान पर हमला होगा और जबरदस्त होगा। लेबनान में भी इसी बात की चर्चा चल रही है कि इजराइल बहुत जल्द ईरान पर हमला करने वाला है। जब लेबनान और इजराइल के बीच जंग चल रही है तो नया फ्रंट इस युद्ध को और बढ़ाएगा। पहला सवाल है कि ईरान पर इजराइल कब हमला करेगा, यह हमला दिन में होगा या फिर रात में किया जाएगा। दूसरा सवाल है कि इजराइल ईरान पर कहां हमला करेगा। तीसरा सवाल है कि इजराइल के टारगेट पर कौन कौन है। इजराइल की सेना इस वक्त कई फ्रंट पर लड़ रही है, उसकी एयरफोर्स पर भी दबाव बहुत ज्यादा है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल को फैसला करना है कि उसका जवाबी हमला किस लेवल पर किया जाएगा, किस तरह के टारगेट वो चुनेगा। मुमकिन है कि अब तक सब टारगेट फाइनल भी कर लिए गए हों। इसराइल के टारगेट पर ईरान के बहुत ही खास ठिकाने हैं। इसमें ईरान के परमाणु रिएक्टर सबसे पहले नंबर पर हैं, क्योंकि उसे खतरा है कि ईरान एटम बम बनाने वाला है। दूसरे नंबर पर हैं ईरान के तेल ठिकाने, यानी रिफाइनरी, तेल डिपो, जो ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हमला होगा। तीसरे नंबर पर हैं ईरान के सीक्रेट अड्डे, यानी सैन्य अड्डे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेस, उनके एयरबेस। इसराइल का चौथे नंबर का टारगेट है ईरान के मिसाइल बेस, जहां से ईरान अपनी मिसाइल फायर करता है। लेकिन ये टारगेट आसान नहीं, क्योंकि ईरान का मिसाइल लॉन्चिंग नेटवर्क सब कुछ अंडरग्राउंड है। पांचवें नंबर पर बहुत ही खास टारगेट, यानी ईरान का नेतृत्व। इसराइल ने जिस तरह हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला को मारा है, इसराइल कोशिश कर सकता है कि ऐसा ही हमला वो ईरान की लीडरशिप के खिलाफ करे। The Israelis have not concluded how they're what they're going to do in terms of a strike. That's under discussion. I think there are, if I were in their shoes, I'd be thinking about other alternatives than striking oil. इजराइल किस हथियार का इस्तेमाल करेगा? क्या यह हवाई हमला होगा या फिर ऐसा खुफिया ऑपरेशन जिसे मोसाद अंजाम देगा? अभी इजराइल में यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ईरान का कौन सा हथियार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगा। इस वक्त ईरान के लिए ये डिकोड करना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। और जब ईरान पर हमले की बात है तो ऐसे में इजराइल की फोर्स से मिलने के लिए जो बाइडन के कमांडर का तेल अवीव आना अपने आप में बड़ा मैसेज है। अमेरिका के जनरल और इजराइल के जनरल दोनों की मीटिंग साबित करती है कि इजराइल और अमेरिका अब बहुत तालमेल के साथ लड़ रहे हैं, और उनका इस तरह साथ आना युद्ध के दायरे को बढ़ा देगा। इजराइल के आर्मी चीफ से मिलकर अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिला ने जो फैसले किए हैं उसे ईरान में बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान का दावा है कि गाजा से लेकर लेबनान तक अमेरिका इजराइल के साथ मिला हुआ है। ईरान का दावा है कि अगर अमेरिका ने इसराइल के हमले में मदद की तो वो खाड़ी में उसके ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात कर देगा। जब ये युद्ध की चिंगारी पूरी तरह भड़क चुकी है, इसराइल के खिलाफ इस्लामिक देश मोर्चाबंदी कर रहे हैं, इधर इसराइल भी अमेरिका और पश्चिमी देशों को एकजुट करने में जुटा है, ऐसे में अगर ये जंग ईरान तक पहुंची तो यकीन जानिए ये महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा।
इसलिए ये ऐसे युद्ध की चिंगारी है जो पूरी दुनिया को जला सकती है। ये बात पुतिन भी जानते हैं और बाइडेन भी। इस युद्ध के शुरू होने से पहले कई एक्टर शामिल हो चुके हैं। एक तरफ ईरान बनाम इसराइल है तो दूसरी तरफ बाकी एक्टर्स में अमेरिका है, रूस है, सऊदी अरब है, लेबनान है, इराक है, सीरिया है, यमन है। तुर्की भी इस युद्ध से अछूता नहीं रहेगा। अजरबैजान, आर्मेनिया भी इस युद्ध में खिंचे चले आएंगे। युद्ध शुरू हुआ तो नेटो को भी एक्शन में आना पड़ेगा और चीन को कौन नजरअंदाज कर सकता है। लेकिन युद्ध को काबू करने के बजाय इस वक्त ईरान और इसराइल में ऐसी मीटिंग हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ युद्ध को और तेज करेगी। पेंटागन से लेकर इसराइल के वॉर रूम तक घंटों मीटिंग हुई है और अब भी चल रही है। तेहरान को जवाब देने के लिए कि अमेरिका भी इतने ही प्रेशर में है जितना इसराइल है, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए इसका जवाब भी आपको दिखा देते हैं। एक तरफ नेतन्याहू बम गिराने वाले हैं और दूसरी तरफ बाइडेन बारात में जा रहे हैं। नेतन्याहू के टारगेट पर गजा है, बेरूत है, ईरान है और बाइडेन व्हाइट हाउस के स्टाफ की शादी में है और बाइडेन अब पार्टी मोड में आ चुके हैं। ये बारूद वर्सेस बारात वाली तस्वीर है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। वैसे बाइडेन ने सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कुरिल्ला को तेल अवीव बहुत सोच समझ कर भेजा है। इसके पीछे अमेरिका का एक बड़ा मैसेज है। मैसेज ये कि अगर ईरान और इसराइल का युद्ध हुआ तो अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होगा, जबकि दूसरी तरफ पुतिन पूरी तरह ईरान की ढाल बनकर खड़े होंगे। या कहे कि ईरान और इसराइल युद्ध अमेरिका बनाम रूस की जंग बन जाएगी। खबर यह भी है कि ईरान को रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुके हैं। सवाल है कि क्या ये खास इसराइल को रोकने के लिए सप्लाई किए गए हैं। रूस की तरह ईरान भी दुनिया में एक मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय सिस्टम चाहता है, यानी अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। ये रूस और ईरान दोनों बताना चाहते हैं। तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और लेबनान में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला की हत्या के बाद पुतिन ने अपने सबसे शीर्ष प्रतिनिधि ईरान भेज चुके हैं। ये नेतन्याहू को भी बड़ा पैगाम है और बाइडेन को भी बहुत खतरनाक मैसेज है। इसराइल अब कैसे वार करेगा और ईरान फिर कैसे जवाब देगा, इस दशक में दुनिया के लिए सबसे खतरनाक वक्त आ चुका है। 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला करके पूरे यूरोप को डरा दिया, अमेरिका तक घबरा गया। 2023 हमास ने इसराइल पर हमला करके पश्चिम एशिया का सबसे खतरनाक युद्ध छेड़ दिया। लेकिन 2024 सवाल है कि क्या ईरान और इसराइल का युद्ध हुआ तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। यानी 2022 में तो दुनिया वर्ल्ड वॉर से बच गई, 2023 में भी गजा युद्ध के बाद विश्व युद्ध नहीं हुआ। ऐसे में क्या 2024 सभी जंगों का बॉइलिंग पॉइंट बनेगा और ईरान इसराइल युद्ध के साथ विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा? مشورت‌های خیلی خوبی بین ما صورت گرفت. ابتکاراتی الان وجود داره توسط برخی از کشورهای منطقه و برخی از کشورهای فرامنطقه. ما به مشورت‌های خودمون با اون کشورها ادامه خواهیم داد. عملی یک عکس العمل خواهد بود از سوی ایران به صورت متناسب و مشابه. ایران کی میسایل پاور سے اسرائیل بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہے۔ یہ بات بائیڈن اور پوتن دونوں جانتے ہیں۔ ایران نے جس طرح سے اسرائیل پر حملہ کیا उसे तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान की नई मिसाइल खैबर शिकन, फतेह और खुर्रम शहर 4 पर इसराइल का पूरा फोकस है। ये टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान की बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। इनमें से खुर्रम शहर 4 की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। इसलिए ईरान का जवाब भी फौरन आएगा और दोगुनी ताकत से आएगा। अब देखना है कि अगले 24 घंटों में ईरान और इसराइल के बीच क्या होता है। दोनों की तैयारी पूरी है, हालांकि अगला एक्शन क्या होगा इसका पूरा कंट्रोल इसराइल के पास है। इसराइल गाजा और दक्षिण लेबनान के अलावा बेरूत तक लगातार हमले कर रहा है। इसराइल के हमले के जवाब में हिजबुल्ला ने ड्रोन से मिसाइल दागी है। लेकिन युद्ध में इसराइल का बड़ा झटका नेटो के 3 देशों ने उसे दिया है। तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान के दाव से इसराइल बहुत बड़ी मुश्किल में घिरता नजर आ रहा है। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran
that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. مزرعه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده، بیسته. And some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. अकेला इसराइल साथ फ्रंट पर बराबर की मार चल रही है, लेकिन नेतन्याहू को जिन देशों से युद्ध में साथ की उम्मीद थी वो भी एक एक कर रुख बदलते जा रहे हैं। नेतन्याहू का ये गुस्सा, ये झुंझलाहट यूं ही नहीं। Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas? And on its other proxies? Of course not. फ्रांस ने इसराइल को हथियार सप्लाई तक ठप कर दी है। युद्ध में साथ देने की बात तो दूर है, जिसके बाद नेतन्याहू फ्रांस पर फट पड़े हैं। Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. Macron को खरी खोटी सुनाने भर पर बात खत्म नहीं हुई है। ब्रिटेन ने सिग्नल दिए हैं कि इसराइल का साथ देने की ताकत फिलहाल उसमें नहीं। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने इसराइल से संयम की अपील की है, साथ ही ये भी क्लियर किया कि ब्रिटेन को गाजा युद्ध से नुकसान हुआ है, यानी नेटो के तीन ताकतवर देश इसराइल से दूरी बनाते दिख रहे हैं। इसमें पहला देश है तुर्की, जिसने पहले ही इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दूसरा फ्रांस, जिसने इसराइल के हथियार सप्लाई रोककर नेतन्याहू को सेटबैक दिया है। तीसरा ब्रिटेन, जो ईरान इसराइल युद्ध से दूरी बनाने की दुहाई दे रहा है। नेटो फोर्सेस के 32 देशों में ये तीन देश ऐसे हैं जिनकी सैन्य क्षमता सिर्फ अमेरिका से कमा की जा सकती है। इन जैसे कई और देश हैं जो इसराइल के लिए अपना नुकसान नहीं झेलने का बहाना बना सकते हैं। तो क्या सिर्फ अमेरिका ही इसराइल को बचाने आएगा? इसराइल और अमेरिका मिलकर क्या अरब लीग के 22 देशों से युद्ध जीत पाएंगे? इसराइल की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसका असर युद्ध के मैदान में साफ दिख रहा है। इसराइल के हमले तेज होते जा रहे हैं, गाजा में भी और लेबनान में भी। हिजबुल्ला 2 मिसाइलें मारता है, बदले में इसराइल 200 धमाके कर रहा है। मार कितनी तगड़ी है, कितनी विध्वंसक है, कितनी जोरदार, ये बस बेरूत के दृश्य बता रहे हैं। लड़ाई बड़ी भीषण हो रही है, हिजबुल्ला फाइटर्स का दम उखड़ता जा रहा है। सारा जोर लगाकर भी लड़ाका ग्रुप इसराइल के आगे टिक नहीं पा रहा। הערכת מצב שקיימנו היום, הוחלט על עדכון ההנחיות לעורף, כך שיתאפשרו התקהלויות של עד 2,000. तस्वीरें 5 अक्टूबर की रात हुए हमले की है। बेरूत हवाई अड्डे के करीब गोल्डन प्लाजा पर बम बरसा है। जमीन फाड़ धमाके के बाद यहाँ भीषण आग लगी। आग की लपटें आसमान छूने लगी। बम विस्फोट ने इतनी चिंगारी उगली कि बगल का गैस स्टेशन भी जद में आ गया। इसराइल ने इस इलाके में कुल 8 धमाके किए। रात भर हमला होता रहा, जिसमें हिजबुल्ला को भारी नुकसान हुआ। 6 अक्टूबर की सुबह इससे भी भयानक दृश्य बेरूत में दिखाई देने लगे। एक धमाका बारूद से पट गया बेरूत, धुएं के गुबार से आसमान ढक गया। जब धुआं छटा तो दृश्य दिल दहलाने वाला था। मटिया मेट हो चुकी थी बहुमंजिला इमारत, खंडर में जिंदगी तलाश रहे थे लोग। इसराइल ने रात और दिन का फर्क मिटाकर अब हिजबुल्ला को तबाह करना शुरू कर दिया है। सबसे भीषण हमले दक्षिण लेबनान में हो रहे हैं, जहां हिजबुल्ला का टनल नेटवर्क है। नेतन्याहू साफ बता चुके हैं कि हिजबुल्ला के निस्तनाबूद किए बगैर ये युद्ध नहीं रुकेगा, लेकिन हिजबुल्ला भी हार मानने को तैयार नहीं। ईरान ने नए हिजबुल्ला चीफ का नाम भी फाइनल कर लिया है। बताया जा रहा है कि नया हिजबुल्ला चीफ खामेनेई का खासम खास होगा। हिजबुल्ला के नए चीफ का नाम इब्राहिम अमीन अल सैयद बताया जा रहा है। इब्राहिम ने 1985 में हिजबुल्ला के घोषणा पत्र, जिसे ओपन लेटर कहा गया, उसको सार्वजनिक किया था। इब्राहिम अमीन 1992 और 1996 में हिजबुल्ला के लॉयल्टी टू द रेजिस्टेंस ब्लॉक के तहत लेबनान की संसद के लिए चुने गए थे। साल 2001 में हिजबुल्ला के शूरा काउंसिल में चुने जाने के बाद इब्राहिम हिजबुल्ला की पॉलिटिकल विंग के हेड हैं।
इब्राहिम लेबनान की राजनीति में बड़ा नाम है, सभी पार्टियों में उनकी कद्र की जाती है, लेकिन इब्राहिम को हिजबुल्ला चीफ की गद्दी दिलवाने में जो सबसे अहम बात है वो ये कि उन्हें खामनेई का खास माना जाता है। इब्राहिम अमीन हिजबुल्ला और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने वाले लीडर बताए जाते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्राहिम ईरान के ज्यादातर राजनयिकों से सीधे संपर्क में रहते हैं। हिजबुल्ला की रणनीति तैयार करने में इब्राहिम अमीन का अहम रोल रहता है। लेबनान और ईरान के रिश्तों की अहम कड़ी इब्राहिम आयतुल्ला खामनेई के करीबी बताए जाते हैं। नए हिजबुल्ला चीफ के तौर पर जिन इब्राहिम अमीन का नाम सामने आया है उनका बैकग्राउंड इसराइल को डराने वाला है। इब्राहिम अमीन अल सैयद लेबनान के बेका के हाउच अल नबी गांव के रहने वाले हैं। साल 1981 में बेरूत की लेबनानी यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में ग्रेजुएट अमीन विदेश में भी पढ़ाई कर चुके हैं। इब्राहिम ने 1984 में फ्रांस के स्टार्ट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली। साल 1987 में उन्होंने ऑर्लियंस यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री और फिजिक्स में पीएचडी भी की। मॉडर्न एजुकेशन के साथ मदरसे से मजहबी तालीम लेने वाले इब्राहिम अमीन अमल आंदोलन से भी जुड़े रहे थे, लेकिन बाद में अमल पार्टी छोड़ हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप में इब्राहिम शुमार हुए। शुक्रवार को इसराइल के हमले में इब्राहिम के भी मारे जाने की आशंका जताई गई थी, लेकिन वो जिंदा हैं, सही सलामत हैं। ऐसे में अब हिजबुल्ला का टोटल कंट्रोल तय माना जा रहा है। इब्राहिम की लीडरशिप में हिजबुल्ला फिर उठ खड़ा हुआ तो इसराइल को 2006 जैसी जंग से सामना होगा जिसमें हिजबुल्ला फाइटर्स ने इसराइल को धुन डाला था। हालांकि इस बार इसराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके सभी दुश्मनों का सफाया नहीं होता। नेतन्याहू ने 7 फ्रंट और 7 दुश्मनों के सफाए की कसम एक बार फिर से दोहराई है। ולכן ישראל פועלת נגד איראן והשליחים שלה גם בהגנה וגם בהתקפה. אנחנו נדע להגן על עצמנו ואנחנו נפעל לפי העיקרון הפשוט שמי שפוגע בנו או מתכנן לפגוע בנו אנחנו נתניהו ने जितना जोर लेबनान में लगा रखा है उससे कहीं ज्यादा पावर गाजा में झोंक रखी है, क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा विलन अब भी सही सलामत सुरंग में छिपा बैठा है। हमास चीफ याहिया सिनवार लेबनान फ्रंट पर युद्ध छिड़ने से मजबूत भी होने लगा है, जिसे देखते हुए नेतन्याहू ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में तेजी लाने के ऑर्डर दिए हैं। गाजा के जबालिया में इजराइल डिफेंस फोर्स की 3 डिवीजन ग्राउंड ऑपरेशन में उतर गई हैं। आईडीएफ की 162वीं, 401वीं और 460वीं बख्तरबंद ब्रिगेड ने हमास की सुरंग में सर्च ऑपरेशन चला रखा है। जबालिया में नेतन्याहू आर्मी ने हमास के दर्जनों अड्डे और हथियार डिपो बर्बाद किए हैं, मगर अब भी याहिया सिनवार इसराइल के हत्थे नहीं चढ़ा है। इसराइल जानता है कि हमास चीफ के जिंदा रहते ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला। सिनवार के सफाए के साथ हमास और ईरान को भी इसराइल सबक सिखाकर ही शांत बैठने वाला है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने नए सिरे से लेबनान पर भीषण हमले शुरू भी कर दिए हैं। पिछले 18 घंटे में ही बेरूत पर इजरायली सेना ने 100 टन से ज्यादा बम और मिसाइलें बरसाई हैं। लेबनान से एक खतरनाक रिपोर्ट आ रही है जिससे नेतन्याहू बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। बेरूत में भीषण धमाके, मारे हिजबुल्ला के 30 कमांडर। ईरान पर इजराइल हमला कब करेगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वक्त दक्षिणी लेबनान में जिस तरह से हिजबुल्ला के लड़ाकों पर इजरायली वायुसेना भीषण हमले कर रही है उससे साफ हो चुका है कि इजराइल चाहता है कि जिस वक्त वो ईरान पर बड़ा हमला करे उस वक्त हिजबुल्ला की तरफ से इजराइल पर बड़े हमले ना हो पाए, और इसीलिए इजरायली वायुसेना और पैदल सेना दक्षिणी लेबनान के गांवों से लेकर के शहरों पर जबरदस्त हमले कर रही है।
अगर हम पिछले 18 घंटे की बात करें तो इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में अंधाधुंध हवाई हमले किए हैं। जबरदस्त बम धमाके से पूरा बेरूत शहर बारूद की आग में भस्म हो रहा है। इसराइल के हमलों से ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि हिजबुल्ला को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। इजरायली वायुसेना ने F-35 और F-15 जेट से रात भर बेरूत और उसके आसपास बड़े हमले किए हैं। बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिया में सबसे ज्यादा हवाई हमले इजरायली वायुसेना ने किए हैं। खबर के मुताबिक सुबह 3 बजे तक इसराइल ने दहिया में 9 बड़े एयर स्ट्राइक किए और इस हवाई हमले में हिजबुल्ला को भारी नुकसान भी हुआ है। दावा तो यहां तक किया गया कि महज 6 मिनट के भीतर ही बेरूत और आसपास के इलाकों पर IDF के लड़ाकू विमानों ने 20 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। कुछ दावों के मुताबिक महज 30 मिनट के अंदर ही इजरायली वायुसेना ने 100 टन से भी ज्यादा बम और मिसाइलें बेरूत और आसपास के इलाकों पर दागी हैं। इसके अलावा इजरायल ने हिजबुल्ला की हथियार सप्लाई लाइन को काटने के लिए सीरिया से लगती लेबनान की सीमा पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है, जिसमें हिजबुल्ला और सीरिया के लड़ाकों को जबरदस्त नुकसान होने की खबर है।